धनबाद के करकेन में विश्व हिंदी परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार से बरही के रूपेश के हत्यारों के लिए फांसी की मांग की, साथ ही मामले में अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं होने पर विरोध जताया। मौके पर उपस्थित विहिप नेताओं ने स्वर्गीय रूपेश की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विश्व हिंदू परिषद सत्संग प्रमुख सुमित माली ने कहा कि बरही में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान रूपेश पांडे को मोहम्मद असलम सहित उनके साथियों ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी थी। झारखंड में बार बार हिंदुओं को टारगेट करके मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है। जिहादी सोच वालों पर सरकार का अंकुश नहीं लग रहा है। सरकार हिंदू भावना को ललकारना बंद करे। जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस कार्यक्रम आज हम लोग किए हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा किया गया है, जिसमें बरही में जो अपने रूपेश कुमार पांडे भाई को जो निर्मल हत्या कर दिया गया है, वो एक समझिए कि मॉब लिंचिंग का मामला था, लेकिन वहाँ पे अपना झारखंड सरकार और प्रशासन का मिला भगत से वो मॉब लिंचिंग का केस भी नहीं हुआ उन पर, और ना ही अभी कोई कार्रवाई हुआ है सही से। मात्र 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि और भी 15 लोग नामजद अभी नहीं है और बाकी अज्ञात का भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? ही मांग करते हैं कि इसके लिए एक CBI जांच बैठाए, जिसमें जल्द से जल्द जितने लोग हैं सबको, सबके ऊपर एक केस और फांसी का सजा दिया जाए, ताकि ऐसा दर्दनाक जो हमारे रूपेश भाई के साथ हुआ है वो करने के लिए आदमी थर थर कांपे, और हमेशा ये हिंदू समाज को ही टारगेट करके किया जाता है। जी, आपका नाम क्या हुआ? सुमित माली, विश्व हिंदू परिषद धनबाद महानगर सत्संग प्रमुख।